यह कार्यक्रम मेरे उपन्यास इदन्नमम पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतर किया है मंदा हरियुगमे नाम से। मंदा ऐसी लड़की है जो अपने बचपन से ही असुरक्षात्मक वातावरण में पली है और उसी में बड़ी भी होती है। बड़ी होकर देखती है अपने आसपास भरी पूरी दुनिया। उस दुनिया में स्वार्थ है, हिंसा है, ईर्ष्याएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सपने हैं और हैं कुछ न्याय देने वाले लोग। मंदा को इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में आगे चल के रास्ता बनाते जाना है। नथु जीभ घुमा, वो लोग बहुत दूर रह गए होंगे। कुमार भवानी हिंगलाज की और बेलोन शारदा माय, काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। काली हरदम करे सहाय। गणपत, पुलिस तो हमारे पीछे लगी है, अब क्या करें? घबराओ नहीं बहू, गुरु मना कर गुण को गा कर गुरु चरणों का करके ध्यान। पत्थरगढ़ की लिखूं लड़ाई भूले अक्षर दे ओ बताए। पत्थरगढ़ की गुरु मना
मना कर गुण को गा कर गुरु चरणों का कर के ध्यान। पत्थरगढ़ की लिखूं लड़ाई भूले अक्षर देव बताए। हाल भोजरियों का मैं लिखता कृपा करो शारदा माए। काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। ये सुमर भवानी हिंगलाज की और बेलोन शारदा माए। काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। काली सुमरू कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। अरे दद्दा आओ। जो सामली गांव की रास्ता यही है? इते इते। हाँ। अरे बहू बेकार ही डरा रही थी। अरे का करे गणपत, मोनी के सिवा हमार है कौन? अरे बिटिया फराक ठीक करो। कहाँ पर तो बताओ तो बहू। हाँ, गुंबद और मीनार दिखाओ। हाँ। कभी आगे का हो गई चले चलो। अरे अरे चाचा, चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। पंचम दादा की बाखर कहाँ है? पंचम? हाँ। सीधे चले जाओ। हाँ। वहाँ मस्जिद मिलेगी। हाँ। मस्जिद से बाएं मुड़ के सामने बाखर। अच्छा अच्छा। सलाम अलैकुम। वालेकुम। ले चलो। तो उतराओ। मंदा, ये मंदा, उठ पिटिया, आ गए, चलो। बहू। हाँ? तुमने तो कही थी दादा के यहाँ बहुत से लोग हैं, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सबर करो बहू, सबर करो। गणपत जाके दरवाजा तो खटखटाओ। हाँ।
हमें तो बहु ऐसा लगा कि पंचम दादा आप औरन को बुला के और अपने परिवार के संगे कि तुम निकल गए। अरे नहीं नहीं, खेत कटाई का बखत है, सब खेत की ओर निकल गए होंगे, फिर से खटखटाओ। पर बहू हम यहाँ आ गए तो हमारा खेत कौन कटवाएगा? भगवान भगवान कटवाएगा हमारे खेत। अभी हमें खेत कल्याण की कोई फिक्र ना है, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। बहू देखो तने कौए ने हमारी फ्रॉक गंदी कर दी। अरे तो ठीक है, हम साफ कर देंगे, अभी चुप पे खड़े रहो बस। सीताराम सीताराम सीराव जो बहू है सोनपुरा वाले जमींदार की मताई, और जो इनके साथ में जो मोड़ी है जे है इनकी पोती मंदा। वे महेंद्र सिंह जो दंगा में मारे गए थे। हाँ हम तुम्हारे पिता के बुआ की बेटी हैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो? भतीजी से पैर न छुआए। आइए ना हिलाओ, दोष होता है। बहू हमारी फ्रॉक बदल दो, बहुत बदबू आ रही है। मंदा तुम बड़ा ही जिद्दन हो। अरे यहाँ कहाँ धर के हम बक्सा खोले और तुम्हारी फराक निकाले, बदल देंगे, गम खाओ। अरे तो बड़ा ग्लास, तुम तो शरबत ले आई, हम दोनों इसी में पी लेंगे। और क्या कर रही हो? सीधी तुमने नहीं बैठने को था? शरबत पियो। पंचम दादा वाली दादी। हाँ बिन्नू, सब लोग हमें कक्कू कहते हैं और तुम चाहे जो कह सकती हो, अको कको जको कछु भी कह सकते हो बेटा। बेल खोल दे बहू। बहू फिर आप बदल दो ना। अरे कहे ना, हम बदल देंगे बाद में, गम खाओ भी। ठीक है।
बहू हम अंदर जाएं? नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। बहू जो बक्सा कितने रख दो? इतने रख दो। प्रणाम से। कुछ रहा गया सबको बता दे यो। कल सा अरे पंचम जाके खातिर करो, मेहमान आए हैं तुम्हारे। कौन है आप देखे? नहीं, बैलगाड़ी में रहे और बैलगाड़ी में चारों तरफ पर्दे लगे हैं। लगता है वो आ गए। मोदी तुम चीफ साहब के साथ जाओ, मैं आकर मिलता हूँ। ठीक ठीक। बहू हमारे फ्रॉक में से बदबू आ रही है, बदल दो ना जल्दी। बिन्नू हम कहे ना, थोड़ा ठहर जाओ, तत्तजू आएंगे, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तब हम बक्सा खोल के तुम्हारा फराक निकाल देंगे। अभी जरा शांति रखो। प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। हम गोविंद सिंह दादा के मझले भाई। ठीक। कब तक का मुकाम है? का बताए भैया, दादा ने कहा आ जाओ, सो हम आ गए मोड़ी को लेके। बहुत परेशान है, खड़ी फसल छोड़ के मासूम को ले लेके हम भाग रहे हैं। क्यों? समझे, आप सोनपुरा से आई हैं। ठीक है, विश्राम। भैया जी फंसा है सर। राम राम बो। अरे नहीं, बैठिए बैठिए। खुश रहो खुश रहो। बहू आप घबराइए मत, आप इस गांव की सीमा में आ गई हैं, डरने की कोई बात नहीं। रो मत बहू, हमने आपसे कही ना, आपकी इज्जत आबरू हमारी चौखट की प्रतिष्ठा है और हमारे गांव की आन। आप बेफिक्र होकर यहां रहिए, आपको नाव का है? मंदा। चंदा? नहीं मंदा। ओ गंदा। मंदा की नहीं। आप कल कक्कों के साथ चंडी मंदिर चली जाइए, वहां शक्ति पीठ का ताबीज बिन्नो के गले में पहनवा देंगे। जाके बाद बिन्नो को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अंदर चलिए, मैं आपकी व्यवस्था करवा देता हूं। ये कमरा मकरंद को है तो ठीक। अरे आ गए बेटा मकरंद, अपने घरे बहू आई है और जे चांद जैसे मुंह वाली मोड़ी मंदा। हाँ
चलो बेटा दूसरा कपड़ा दिखा। आओ आओ। अपने घर में जग घोड़ा जैसी नकचड़ी मोड़ी को है। हम लोगों को नहीं पता चाचा। अभी तो पता करो और चिंता नहीं करो, शाम के पेड़ा और रसगुल्ला खुआएं। जाओ पता करो। आलू भट्टा की तड़काई ना चाहिए मोड़ी की मताई। आलू भट्टा की तड़काई ना चाहिए मोड़ी की मताई। चाचा हां बता दे सन ले लड़ुआ पेड़ा बता दे। आओ शाम के कुआं बे। अरे चाचा जब भी मरती है। शाम के कुआं नहीं। अरे शाम के कुआं नहीं। अरे तुम यहाँ हो, हम तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। बड़े ही गवार हैं उनके बच्चे। वो हमारी बुआ के मोड़ा मोड़ी हैं। माँ बाप ध्यान नहीं देते ना तो बिगड़ गए। वो डुकरिया तुम्हारी दादी है ना, और तुम्हारे माँ बाप कितने हैं? बाबू नहीं है। और माँ? माँ को डाकू उठा लेते। सच्ची? और तुम लोग इतने काया है? डाकू हमें भी ना उठा ले जाए इसलिए बहू हमें यहाँ ले। ओ बहुत अद्दा कितने की बाजी हो रही है, 10-20 रुपए हमें ही डालेगा। तुम जा गांव के तो नहीं लग रहे? हाँ दद्दा तो यहाँ बगल के गांव के। तुम्हें का जो पतो नहीं है कि जा गांव में जुआ खेलवो, नशा करवो और लड़ाई झगड़ा की सख्त मनाइए। दद्दा दिमाग का हो खा रहे, पूछ ही तो है तुम जगह 10-20 रुपए क्या डाल रहे हैं। कौन है तू? वो जो पतो नहीं है कि मैं जा गांव को प्रधान हूँ। कि बा के पति के मर्डर के बाद रतन यादव ने बा को अपहरण करवा लो। जवान विधवा भागत नहीं है, बा को अपहरण करवा लो जाते। Thank you.